हेलो एवरीवन, मैं हूँ संदीप कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर। इस लेक्चर में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और देन इसके फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर चार्ज और साथ में जो इसके सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा जगहों पर अप्लाई होने वाला एक कॉन्सेप्ट है। इसके अच्छे आइडिया के बिना, अच्छे समझ के बिना हमको ना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग समझ में आती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक के तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सब इससे कोरिलेट होते ही हैं। साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना है, किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है, साथ में किसी रिएजेंट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी भी एक्सप्लेन करनी है, तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, अपने पास कॉपी पेन लेके बैठें, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं उसको प्लीज नोट डाउन करते हुए चलें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम कुछ फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, ये हम देखेंगे। देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंपेरिजन करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, दोनों हमको एक जैसे लगने लगते हैं, तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे, दोनों को सेपरेटली हम समझें कि होते क्या है वो। देन कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, देन पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड कैसा होता है, मतलब किसी पीरियड में हम लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो कैसे ये चेंज होते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर कैसे ये चेंज होते हैं। ओके, देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में जब बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैरायटीज ऑफ एप्लीकेशंस देखेंगे। मैंने बताया कि सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, तो इसीलिए इसके एप्लीकेशंस ही बहुत सारे होंगे। क्लियर है? चलिए, कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब हम पढ़ने बैठते हैं या हमको समझना होता है, फिर हमको उसको अप्लाई करना होता है, तो अप्लाई करते हैं हम उसको पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जब तक हमको टेबल अच्छे से याद नहीं होगा, कौन सा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है ये पता नहीं होगा, तब तक हम कितना भी पढ़ लें प्रॉपर्टीज को, कितना भी समझ लें, हम उसका स्टडी टेबल के अंदर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप ध्यान रखिए कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1-30 तक आप कम से कम हॉरिजॉन्टली याद हमेशा करते ही हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिए। साथ जितने एलिमेंट्स बचे हुए उनको छोड़ना नहीं है, उनको आप वर्टिकली याद कीजिए। ठीक है, अब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें आपको काम आएगा, क्योंकि वर्टिकली याद करते हैं तो हमको एक ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होते हैं और किसी भी एटम के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? तो अच्छे से इसको आप पहले क्लियर कर लें अपने। ओके, सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन में जो पॉइंट्स हाइलाइटेड है उसको अलग से बोल्ड किया गया, तो खास ध्यान देंगे। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट मतलब किसी एटम की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, लेकिन किसको अट्रैक्ट करना है ध्यान दें, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई एटम होगा उसके एडजेसेंट एटम के साथ उसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी, तो उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है हम सभी जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो इस टॉपिक का हम पूरा स्टडी करने वाले हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के बीच में, ठीक, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है? अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इनमें, या तो ए का एटम इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है, या बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अगर ए ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया तो मतलब ये क्लियर हुआ कि ए का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी बी से ज्यादा है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज्यादा होगी। सिमिलरली ऐसे अगर बी ने अपनी तरफ खींचा, मतलब कि ए के कंपैरिजन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है वो, तो हम बोलेंगे कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा होगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव फेनोमेना है,
जब तक दो एटम प्रेजेंट ना हो, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग ना हो, तब तक हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? ओके, देन आते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थ्योरी प्रॉपर्टीज में सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जस्ट पहले का ही टॉपिक है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या था? किसी एटम द्वारा किसी बाहर से आए हुए एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और अपने किसी शेल में, अपने आउटर शेल में उसको एक्सेप्ट करना, मतलब किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, ठीक। किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन कौन सा होना चाहिए? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां का होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड का। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्टडी हम करते हैं एक सिंगल गैसियस आइसोलेटेड एटम में, ठीक, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसमें देख रहे हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, आइसोलेटेड एटम और इस केस में कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है। क्लियर है? देन थर्ड डिफरेंस, इसका डेफिनेशन क्या था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इस एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो मेजर कर सकते हैं, तो उसकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, और इसकी जो मोस्ट कॉमन यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव फेनोमेना है, और रिलेटिव फेनोमेना को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसकी हमको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलती है, जो भी मिलेगी हमको वो रिलेटिव वैल्यू होगी। क्लियर है? इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियरिफाई करें, इसकी जो हमको वैल्यू मिलेगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, जबकि इसकी जो वैल्यू होगी वो रिलेटिव वैल्यू होगी। और रिलेटिव वैल्यूज का कोई अपना यूनिट नहीं होता है, मतलब कि ये यूनिटलेस होंगे। ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी एटम द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमेशा हम देखते हैं गैसियस आइसोलेटेड एटम में, जबकि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, इसलिए ये इसका यूनिट भी होगा। मोस्ट कॉमन यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। जब कुछ ना दिया हो तो हम इसी यूनिट में मान के चलते हैं, ठीक। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं तो दिखता है कि ये एक रिलेटिव वैल्यू है, इसलिए इसका कोई अपना यूनिट नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं? चलिएगा, डेफिनेशन हम समझ गए हैं इसका, तो ये सारे फैक्टर्स हमको वैसे भी मिल जाने वाले हैं, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को अफेक्ट करेंगे, वही सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अफेक्ट करेंगे। क्लियर है? सो फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब वह चार्ज जो किसी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करता है, जिससे वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा।
जहां पे जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड है न्यूक्लियर चार्ज, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट, जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम निकालते हैं स्लेटर्स रूल से, ठीक है, जो सिलेबस के बाद में आएगा। चलिए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कितना अट्रैक्शन फील करता है। तो सिंपल सी बात है, जितना अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उस एटम द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम समझ गए हैं तो साइज ऑफ एटम अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिस एटम का साइज जितना छोटा होता है, उसका अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होगी, उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। ठीक, छोटे साइज का एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। एटम का साइज घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब कि इनका रिलेशन हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, देन आते हैं चार्ज ऑन केटायन, केटायन पर कितना आवेश है। समझते हैं इसको, कोई न्यूट्रल एटम है, वो केटायन में जब कन्वर्ट होता है तो अपने आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, उतना ही उस एटम का शील्डिंग कांस्टेंट भी कम होता जाता है, क्योंकि शील्डिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जितना शील्डिंग कांस्टेंट कम रहेगा, उतना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब केटायन पर चार्ज बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन। आप एग्जांपल चाहे तो एग्जांपल देख सकते हैं, सल्फर 2+4+6+। देखें केटायन का चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिर चार्ज ऑन एनायन। इसका इफेक्ट जस्ट अपोजिट होने वाला है। एनायन जब बनता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं आउटर शेल में, उस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, सिग्मा इंक्रीज होगा जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा। मतलब एनायन का चार्ज बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव घटता है, और उसके घटने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है। मतलब कि रिलेशन हो गया इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, N-, N2-, N3-। जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, अब ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आप ये देख लें एक साथ, और एक बार ही मैं याद रखूं सो कि जब साइज ऑफ एटम पढ़ते हैं तो भी वही काम आता है हमारे। किसी एटम का हम कंपैरिजन करें उससे केटायन के साथ, उसके एनायन के साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस क्या होता है, हमेशा एनायन का सबसे कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम सेम एटम की बात कर रहे हैं तो एनायन से ज्यादा होगा न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी केटायन की। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। आखिरी फैक्टर है किसी एटम का संकरण, किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलिए, अब कॉमन एग्जांपल से जैसे हम देखते हैं, हम तीन को ऐसे यहाँ पे लेते हैं जो हम कॉमनली पढ़ते हैं, बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है, इन्हें पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो SPDF ये ऑर्बिटल्स हैं, और ये ऑर्बिटल्स आउटर शेल के होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं संकरण में। क्लियर है, तो इनमें हम कंपैरिजन कर ऑर्बिटल्स में SPDF में, तो सबसे न्यूक्लियस के पास होता है s के इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल, और जितना न्यूक्लियस के पास होगा किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट कोई इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक, मतलब कि किसी मॉलिक्यूल के किसी एटम में संकरण के हिसाब से देखें तो जिसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज s कैरेक्टर। अब जब कंपैरिजन करना हो तो हमको ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा फैक्टर पहले लगाएं। ठीक है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर सेम एटम के
कि अलग अलग स्पीसीज के बीच में आप कर रहे हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि टाइम से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनामी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी एटम का सेकंड, आप तब लगाएं जब आपके पास आपको कंपैरिजन करना हो एक ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अलग अलग मॉलिक्यूल्स में और उनमें चार्ज का डिफरेंस ना हो। ठीक है, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगाएं, अदरवाइज अगर चार्ज अलग अलग है तो आप इन कॉन्सेप्ट से चल सकते हैं, आपसे क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पांच फैक्टर से फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की उतनी ही ज्यादा होगी, साइज जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, के टैंक पर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, एनायन पर चार्ज जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और किसी एटम पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स हमारे क्लियर हो गए हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ट्रेंड करने वाला है। चलिए लेफ्ट साइड चलते हैं, तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं पहले एक बार उसको वापस रिपीट करते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं उसको। लेफ्ट साइड चलने पर एटम का आउटर शेल एक ही मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता है नंबर ऑफ शेल्स, तो नंबर ऑफ शेल्स कॉन्स्टेंट है, उस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और उतने ही इक्वल क्वांटिटी में न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। क्लियर है, तो हमारा z इफेक्टिव का फॉर्मूला था z माइनस सिग्मा। ठीक, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं आउटर शेल में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होता है सिग्मा के लिए। ठीक, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या इंक्रीज होगा z का वैल्यू, और z इंक्रीज होगा तो z इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट साइड चलते हैं तो z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज का हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड चलते हैं तो z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता जाएगा एटम का, और इन दोनों फैक्टर के हिसाब से हम कंपैरिजन कर लें अगर इसे जो फैक्टर्स पढ़े हुए थे हम लोग, तो साफ साफ दिखता है कि लेफ्ट साइड चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने वाली है। क्लियर है, ऊपर से नीचे आके देखें, ऊपर से नीचे आने पे z इफेक्टिव के वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है z इफेक्टिव का वैल्यू। रीजन ये है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो एक्स्ट्रा शेल भी ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, शील्डिंग कॉन्स्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से, और साथ में एटॉमिक नंबर बढ़ा है इसलिए z का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होता है, और दोनों का इंक्रीमेंट लगभग एक दूसरे के जितना ही होता है, इसलिए एक दूसरे के इंक्रीमेंट को नलिफाई कर देते हैं अधिकांश केसेस में, इस z इफेक्टिव मान के चलते हैं कि लगभग सेम रहता है ऊपर से नीचे आने पे, लेकिन साइज एक्स्ट्रा शेल ऐड होने के कारण साइज इंक्रीज होता है, और हम जानते हैं कि साइज अगर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ट्रेंड फॉलो होता है, लेकिन कई सारे ग्रुप्स में कई सारे पीरियड्स में कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं, और जिन्होंने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कभी की है या पढ़ने का सोचते हैं वो ध्यान रखें कि जितने नॉर्मल ट्रेंड एग्जाम में नहीं आते हैं उससे ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है, तो उनको भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से ग्रुप में एक्सेप्शन है। अभी क्योंकि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लास बस स्टार्ट ही किया है, कुछ क्लासेस हमारे हुए होंगे, तो यहाँ पे हम केवल फोकस कर रहे हैं अभी एस और पी ब्लॉक पे, डी ब्लॉक अलग से हम पढ़ेंगे जब डी ब्लॉक बीएससी सेकेंड ईयर में आएगा, तो अभी यहाँ फोकस करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में देखें तो ज्यादा कोई वैरायटीज नहीं दिखती है हमको, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लगभग डिक्रीज हो रहा है या फिर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, या तो डिक्रीज हो रहा है या कॉन्स्टेंट है, मतलब ज्यादा इसमें एक्सेप्शन देखें केवल ये केस दिख रहा है कि इन दोनों का सेम है। सेम इस ग्रुप में आते हैं तो डिक्रीज हो रहा है फिर कॉन्स्टेंट है फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इंक्रीज हो गया हो, तो एस ब्लॉक में ज्यादा हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है। आप इन दोनों का बस ध्यान रखेंगे, पोटेशियम रुबिडियम का इक्वल होता है, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम का इक्वल होता है। पी ब्लॉक में चले, यहाँ के काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, खासतौर से बोरॉन के लिए, क्योंकि अधिकांश पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसके एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। ठीक है, इसमें देखें हमारा नॉर्मल ट्रेंड ये है कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है,
क्लियर है, ये सारे जो वैल्यूज दिए गए हैं ये पॉलिंग स्केल में है, क्या होता है हम अभी आगे लेक्चर्स में डिसाइड उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां देखें बोरॉन का दिखता है 2.0, एल्युमिनियम 1.5, गैलियम 1.6, इंडियम 1.7, थोरियम 1.8। मतलब क्या हुआ, बोरॉन से लेके एल्युमिनियम तक तो डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ, ये कोई नॉर्मल ट्रेंड तो हमारे हिसाब से था नहीं, तो आप इसको एक्सेप्शनल केस बना के ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन करना चाहें तो कर तो दें, लेकिन अभी चूंकि हमने पढ़ा नहीं है उन कॉन्सेप्ट को, इसलिए अभी वो समझ में आएगा नहीं। मैं बस एक बार हिंट देता हूं कि एल्यूमिनियम और गैलियम में कंपैरिजन करें तो गैलियम का ज्यादा होता है ट्रांजिशन मेटल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, गैलियम और इंडियम में कंपैरिजन करें तो इनका ज्यादा होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण और इसका ज्यादा होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये सारे टॉपिक्स आपके अपर क्लासेस में आएंगे, तो जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। देन कार्बन फैमिली का देखें, कार्बन 2.5, सिलिकॉन 1.8, जर्मेनियम 1.8, 1.8, 1.9। मतलब कि पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हुआ। तो जो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज जो आपको याद होने चाहिए, आप पूरा टेबल तो याद नहीं करने वाले हो, कोई भी नहीं करता है, लेकिन जिनका आपको याद होना चाहिए मैं केवल उनको मार्क कर रहा हूं, क्योंकि तो हमको कई जगह पे इनको अप्लाई करना होता है, डाटा में यूजुअली दिया होता है, लेकिन नहीं भी दिया तो हमको कम से कम ये ध्यान, और याद करने में भी खास डिफिकल्टी नहीं है। बोरॉन से लेकर फ्लोरीन तक 0.5 का इंक्रीमेंट ही है, बस 2 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपको याद करना है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, तो सल्फर का 2.5, हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5, क्लियर है। जिनका जिनका कॉमन है आप देख सकते हैं, कार्बन का इक्वल है आयोडीन के और सल्फर के, तो कुछ इक्वल वैल्यूज भी हैं जो आप ध्यान रखेंगे। साथ में नाइट्रोजन का इक्वल है फ्लोरीन के, सॉरी क्लोरीन के, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इक्वल है, तो ये वैल्यूज कम से कम ना आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नाइट्रोजन और क्लोरीन, एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव फिनोमेना है, जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा, तो इसके जो वैल्यूज हमको मिलने वाले हैं वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जो इनका एब्सोल्यूट वैल्यू हमको मेजर करके दे, ये एक रिलेटिव फिनोमेना है, तो इनका वैल्यू भी हमको रिलेटिव ही मिलता है, ठीक है। तो कई सारे स्केल्स दिए गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, हमारे सिलेबस में हमको पढ़ने हैं मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल और एआर स्केल, अल्ड्रेड रोचो स्केल, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। मुलिकन स्केल सबसे सिंपल टाइप का स्केल है, इसने कुछ नहीं किया है, केवल किसी एटम के आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंपल एवरेज निकल रहा है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन एवरेज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जो वैल्यू हमको रिजल्ट में मिलता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन स्केल के हिसाब से। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो हम वैल्यू पुट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है। देन सेकेंड स्केल है हमारा पॉलिंग स्केल, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड और मोस्ट कॉमन स्केल है पॉलिंग स्केल। अभी जो टेबल के पीछे हम वैल्यू देख भी रहे थे वो पॉलिंग स्केल के ही वैल्यूज थे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, इसमें क्या किया गया है, काई ए माइनस काई बी, मतलब कि एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी डिफरेंस ही निकाल के आपको दे रहा है, ठीक, इज इक्वल टू 0.208 ई ए बी माइनस रूट अंडर ई ए ए इंटू ई बी बी। यहाँ पे जो टर्म यूज हुए हैं ई, ये दिखाता है किसी एटम की बॉन्ड एनर्जी, ठीक। हमको जब कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं तो ये नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, और मोस्टली जो होता है कि एक एटम जो होता है जिसका हम देख रहे हैं कि दूसरे एटम के साथ बॉन्ड उसने बनाया हुआ है, तो वो एटम खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है, दूसरा एटम जो है वो भी खुद के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर आपस में ही बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ही ये है कि बॉन्ड तब बनता है जब ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो ए ए बॉन्ड से और साथ में बी बी बॉन्ड से भी,
तब उस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रिएक्शन जाना चाहता है मोर स्टेबल सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो ये जो E है ये है उस एटम की उस पर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। AB मतलब AB बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, AA AA बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और BB BB बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पे जरूर लिख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, लेकिन बॉन्ड एनर्जी में एनर्जी रिलीज होता है और रिलीज एनर्जी को हम केमिस्ट्री में नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि आप चाहे तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मॉड लगा दें, ठीक, या चाहे तो आप बॉन्ड एनर्जी को रिप्लेस कर दें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, क्योंकि हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए वहां पे। क्लियर है? चलिए पॉलिंग स्केल जो रिलेशन है मोलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल के बीच में, क्योंकि मोलिकन स्केल के हिसाब से हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज मिल सकते हैं, पॉलिंग स्केल से मिल सकते हैं, इन दोनों का आपस का रिलेशन भी है जो कि होता है पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू मोलिकन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन 2.8। मतलब अगर आपको पॉलिंग स्केल के वैल्यू को मोलिकन स्केल में कन्वर्ट करना है तो 2.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर मोलिकन स्केल को पॉलिंग स्केल में करना है 2.8 से डिवाइड कर दीजिए, वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ट्रिकी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देन थर्ड वन अल्ब्रेट रोचो स्केल, इनको ये लगा कि किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी एटम के सरफेस पर जो वो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है उसके साथ रिलेट जरूर होना चाहिए, मतलब किसके साथ, जेड इफेक्टिव के साथ। तो इन्होंने भी एक रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, जो फॉर्मूला कुछ ऐसा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 0.3590 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर कोवेलेंट बॉन्ड का रेडियस, ठीक है, प्लस 0.774। तो इन स्केल को चाहे मोलिकन हो चाहे AR स्केल हो, इसको AR स्केल के नाम से भी जानते हैं, ये आपके पढ़ने के लिए भी ठीक है, लेकिन आपको जितने भी वैल्यूज मिलते हैं या जो आपको टेबल में पढ़ना भी होता है वो सबसे कॉमन जो स्केल है हमारा पॉलिंग स्केल उसमें दिया रहता है। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल का ध्यान रखेंगे आप। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था वो पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अप्लाई कर सकते हैं जो कि उसके एप्लीकेशन में है। ठीक, टॉपिक स्टार्ट उस पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए अपने एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है। ठीक है, और उसी के बेस पे ये अलग अलग केसेस में अप्लाई भी होता है, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जो दो टाइप के एटम से बने हो, भले संख्या उनकी ज्यादा हो लेकिन एटम दो टाइप का, जैसे AB बन सकता है AB2 AB3 AB4, इनका नाम कैसे प्रोनंसिएट करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं इनका, जैसे अगर हमको ICL का नाम लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, PCl3 P2O5, ठीक, ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं HF। चलिए जनरल हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर है तो पोलैरिटी के हिसाब से हम देख लें कि किसपे पॉजिटिव चार्ज और किसपे नेगेटिव चार्ज आता है। और जैसा कि हम एक नॉर्मल एनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, NaCl का नाम सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, Na का नाम टेबल में भी सोडियम था, हमने बोला भी सोडियम, जबकि Cl का नाम टेबल में क्लोरिन था, हमने क्या लिखा, क्लोराइड। ठीक, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी के बेस पे जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका नाम तो हम फ्रीली लिखेंगे जैसा टेबल में हम पढ़ते हैं, लेकिन जिसके पोलैरिटी के हिसाब से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा उनके नाम के साथ हम सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, और सफिक्स जो मोस्ट कॉमनली ऐड होता है वो होता है एट। ठीक, तो HF का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ICl का नाम आयोडीन क्लोराइड, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, P2O5 डाइफॉस्फोरस पेंटोक्साइड। ठीक, तो ऐसे हम कॉमनली किसी भी बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, उसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन सेकंड एप्लीकेशन है किसी कंपाउंड का
परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना। अब इसे मैंने कोवेलेंट कंपाउंड नहीं लिखा है, ठीक है, और ना ही आयनिक कंपाउंड लिखा है। तो जब हम आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो वो कंपाउंड जो हमको दिया गया है वो कोवेलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। अगर हमारा रिजल्ट जो होगा वो 50% से ऊपर आता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो आयनिक कंपाउंड है, अगर 50% से कम आता है तो हम बोलेंगे कि वो कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर हमको बोलता है कोवेलेंट कैरेक्टर आप कैलकुलेट कीजिए, तो हम आयनिक कैरेक्टर निकाल लेंगे, उसको 100 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाए, कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर किसी मॉलिक्यूल में 65% आयनिक कैरेक्टर है, मतलब कि उसमें 35% कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा, ठीक। और ये माना गया है कि कोई भी मॉलिक्यूल 100% ना कभी आयनिक होता है ना कभी 100% कोवेलेंट होता है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है जो हैने स्मिथ ने दिया था आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला है पर्सनल आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू जिन एटम्स के बीच में हम देख रहे हैं, जिस बॉन्ड का हम देख रहे हैं दो एटम्स के बीच में, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है डेल्टा एक्स। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अगर 50% से ऊपर आता है तो आयनिक कंपाउंड, उससे नीचे आता है तो कोवेलेंट कंपाउंड। इसके बेस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के बारे में बताओ कि वो आयनिक है कि कोवेलेंट है। क्या करेंगे आप, फॉर्मूला आपके पास है, आपको चाहिए केवल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि मैंने बोला था कि याद कर लीजिए, नहीं है टेबल से देख लीजिए। अभी हाइड्रोजन का 2.1, फ्लोरीन का 4.0, डेल्टा काई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.9। इस वैल्यू को आप उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो HF के लिए आपको जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप चेक करेंगे। और जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए या होगा कि HF एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो डेफिनेटली आयनिक कैरेक्टर का 50% से कम आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी बंध वियोजन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, तो दोनों में से कोई भी टर्म में एक ही बात पड़ता है। चलिए हम कंपैरिजन कर लें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्या होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। मान लेते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा भी, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी की तरफ आ जाएगा, उससे पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, जितना ज्यादा चार्ज डिफरेंस होगा, उतना ही ये एटम एक दूसरे को टाइटली होल्ड करेंगे, और जितना टाइटली बंधे होंगे वो उतना ही उनके बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। अगर डिफरेंस कम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन मोड का शिफ्टिंग हो नहीं पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो चार्ज सेपरेशन भी बहुत कम होगा इनके बीच में, और चार्ज सेपरेशन कम होगा तो एक दूसरे को टाइटली होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा, ठीक। इसी एप्लीकेशन के बेस पे आप जस्ट इसके जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसको डायरेक्टली बना सकते हैं। किसी हाइड्रा एसिड का एसिडिटी, एसिड कई टाइप के होते हैं, ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स, लेविस एसिड्स, ठीक है, उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हाइड्रा एसिड में क्या सीक्वेंस होता है एसिडिटी का। हाइड्रा एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम डिसोसिएट होता है एच प्लस के फॉर्म में, और वो तब होता है जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है अपने से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ, ठीक है। तो हाइड्रा एसिड अगर हम कंपेरिजन करें, एक फैमिली लेते हैं HCl, HF, HCl, HBr, HA, सभी केस में हाइड्रोजन का रिमूवल जो होना है वो H+ के फॉर्म में होना है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि हम ये तो वैल्यू अभी टेबल में लिखे हुए थे, हाइड्रोजन का 2.1, फ्लोरीन का 4.0, क्लोरीन का 3.0, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5, ये वैल्यूज हैं। हमने बोला कि जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है H और F के बीच में 1.9 का। HCl में देखें तो डिफरेंस ज्यादा बचा नहीं है, 0.9 का डिफरेंस है। HBr में देखें 0.7 का, और
HI में देखें तो केवल 0.4 का। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड इसमें होगा, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड से डिसोसिएशन स्लो हो जाएगा। तो सबसे डिफिकल्टी से हाइड्रोजन यहाँ पे H+ के फॉर्म में रिलीज होगा और सबसे आसानी से यहाँ पे होगा। तो इससे क्लियर होता है कि हाइड्रो एसिड्स का एसिडिटी टेबल में ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन फैमिली का भी आप सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, H2O से ज्यादा एसिडिक होगा H2S, इससे ज्यादा H2S ही, इससे ज्यादा H2T। आप सारा कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब आपको टेबल अच्छे से याद होगा। क्लियर है? ठीक है, देन नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये भी एसिडिटी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन्स की एसिडिटी, इथेन, इथाइलिन, एसिटिलिन, इनमें हमको कंपैरिजन करना है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो अभी हमने देखा कि डिसोसिएशन किस फॉर्म में होना है, H+ के फॉर्म में, जितना आसानी से H+ रिलीज होगा या तो डिसोसिएट होकर खुद हो जाए या किसी बेस को लाके हम उसको अब्स्ट्रैक्ट कराएं, चाहे जो भी केस हो, जिसमें H+ का रिमूवल फास्ट होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, अब इनमें कैसे अप्लाई करें, हमने देखा हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन किसके साथ, संकरण के साथ। जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे संकरण होता है sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp। और हमने ये भी देखा हुआ था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज s कैरेक्टर। ठीक, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी। क्लियर? अगर हमने हाइड्रो एसिड वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया तो उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट फिर क्या हो जाएगा कि इथेन की सच्चा एसिडिटी, फिर एथिलीन की, फिर एसिटिलीन की, जो कि पूरा गलत है। ठीक, हाइड्रो एसिड का एसिडिटी हम जैसे देखना होता है हमको, तो वो मोस्टली वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में उनको हम डिजोल्व करते हैं तो वो अपना H+ रिलीज करते हैं, या फिर उस मॉलिक्यूल को हम थर्मल कंडीशन में रखते हैं, अगर वो H+ के फॉर्म में रिमूव हुआ तो उस केस में बोलते हैं कि उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, वाटर सोल्यूबल तो होते नहीं है और ना ही हीट करने पे ये हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिलीज करते हैं। इनकी एसिडिटी हम केवल इस बेस पे देख पाते हैं कि कोई हम बेस जब इनके ऊपर लाग लेके आते हैं इनके साथ, तो कितना आसानी से उस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, जितना अब्स्ट्रैक्ट करेगा आसानी से उतना ही उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो सब कुछ डिपेंड करने वाला है बेस पे। अब बेस पे नेगेटिव चार्ज पे इसको अटैक करने के लिए क्या चाहिए, कहीं पे पोलर सेंटर जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक, इस बॉन्ड में हम देख रहे हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इस हाइड्रोजन पर एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इस प्रोटॉन को ये ज्यादा आसानी से अब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक, तो इन शॉर्ट हम कंक्लूजन निकाल लें हाइड्रोकार्बन्स के लिए कि इनकी एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा जो sp कार्बन से अटैच है, उससे कम होगा जो sp2 कार्बन से अटैच है, सबसे कम होगा जो sp3 कार्बन से अटैच है। क्लियर है? sp कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक, sp2 कार्बन से अटैच्ड उससे कम एसिडिक, और sp3 कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। तो ये तो हमने कुछ बेसिक एप्लीकेशंस देखे हुए हैं, एक और छोटा सा है इसको भी कंप्लीट करते हैं, मेटलिक कैरेक्टर, तो उसी के साथ अटैच्ड है नॉन मेटलिक कैरेक्टर, क्योंकि जिसका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक, तो समझते हैं हम मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं वो उतने अच्छे मेटल होते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने की बात होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है अपने को, एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करनी है।
ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो डेफिनेटली वो अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को भी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बंधा होगा न्यूक्लियस के साथ, तो इसको रिलीज करना आसान नहीं होगा। उससे कंपैरिजन में यहां पे इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज होगा, आसानी से रिलीज होगा, तो वो मेटलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर डिफिकल्टी से रिलीज होगा तो वो नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा। इन शॉर्ट हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो उस एलिमेंट में मेटलिक कैरेक्टर होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अधिक है, उसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक। तो ये सारे फिनोमेना आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब ये आप एक्सप्लेन कर लेते हैं तो आपको फिर मेटलिक ऑक्साइड्स नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर ऐसे भी होता है, बेसिक होता है, आपको समझ में आता है कि मेटल्स के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स के एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लें, इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन जस्ट आ जाएंगे। कोई कंपाउंड जिसमें OH बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो हमको ये देखने में पहली बार भ्रम तो होता ही है, पर शायद वो सही भी रहता है अधिकांश केस में, कि जिसमें OH ग्रुप है वो बेस होगा, जिसमें OH ग्रुप, जिसमें हाइड्रोजन अलग से दिखता है हमको लगता है कि वो एसिड होगा, ठीक, जबकि ऐसा नहीं है। एक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वो डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है कि ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, ठीक। अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ पहला केस, तो A प्लस प्लस OH माइनस बना, ठीक, और अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो AO माइनस प्लस H प्लस बना। तो इसके बाद आप बता सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा। अगर AO बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये कंपाउंड बेसिक नेचर का होगा, और अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो कंपाउंड एसिडिक नेचर का होगा, क्लियर है। तो हम समझे कि ये कब होता है। OH ग्रुप जब किसी मेटल के साथ अटैच होता है तो मेटल में पोलैरिटी के हिसाब से हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और यहां नेगेटिव चार्ज, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस फॉर्म में ब्रेक होगा, OH माइनस के फॉर्म में। तो अगर ये OH ग्रुप डायरेक्टली मेटल से अटैच है तो कंपाउंड का नेचर बेसिक होगा, और अगर OH ग्रुप नॉन मेटल के साथ अटैच है तो उस समय इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है, और ज्यादा पोलर बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, तो उस समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा और मॉलिक्यूल का नेचर एसिडिक होगा, ठीक। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां बड़ा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बेसिक नेचर, अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां बड़ा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एसिडिक नेचर। तो ऐसे आप किसी कंपाउंड के AOH बॉन्ड के नेचर को बता सकते हैं कि एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ठीक। ये तो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इसके एप्लीकेशन यहीं पे खत्म नहीं होते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भले ही ये यहां पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग पर, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी होगी, वहां पे डाइपोल मोमेंट पढ़ना होगा, वहां पे फिर आपको कंपैरिजन करना होगा डाइपोल मोमेंट का कि किसका कम किसका ज्यादा, ठीक, वहां भी आपको काम आना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि पोलार होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी मेरे को नहीं पढ़ाना है, आप नेक्स्ट चैप्टर में इसको अप्लाई लेकिन जरूर करना, ठीक है। किसी पोलार मॉलिक्यूल में तीन चार मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास है, उन्हें कंपैरिजन करना है कि डाइपोल मोमेंट किसका कम है किसका ज्यादा है, तो उस केस में हम देखते हैं कि जितना डिफरेंस बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेंट्रल एटम और अटैच्ड एटम के बीच में,
में उतना ही डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। जैसे हम देख लें कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, NH3, H2O और HF। हाइड्रोजन कॉमन है तीनों में, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। वैल्यू कितना कितना पता है, अगर है ना भी पता हो तो भी बन जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बायस डायन चेन में बढ़ती है, ठीक। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और सबसे कम है हाइड्रोजन। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे सबसे कम होगा, उससे ज्यादा यहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी बढ़ता है। क्लियर है, यहाँ का एप्लीकेशन है। फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, चाहे इलेक्ट्रोमेरिक हो, चाहे इंडक्टिव हो, चाहे मेसोमेरिक हो। उसमें सर में जब भी आप पोलैरिटी की बात में, जब भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना होता है। क्लियर है, ऐसे ही और कई कई जगहों पे अप्लाई हो। जैसे किसी मॉलिक्यूल में हमको सेंट्रल एटम पहचानना है कि कौन होगा, जैसे NSF3, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। नाइट्रोजन भी अकेला है, सल्फर भी अकेला है, सेंट्रल एटम कौन होगा ये जानना है, तो भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने मॉलिक्यूल के बाकी एटम से सबसे कम हो। तो इसमें कंपैरिजन नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, इसलिए वो सेंट्रल एटम होगा। XeOF4 दोनों में कंपेयर करें तो ज़ीरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, इसलिए ये सेंट्रल एटम होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और भी कई जगह पे एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं आपको। आप ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे, इतने एप्लीकेशंस आप अगर समझ लिए हैं तो आपको आगे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक छोटा सा शॉर्ट समरी में देखें अगर हम लोग कि हमने आज क्या किया इस टॉपिक के अंदर, तो सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफरेंस क्या था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम सिंगल गैसियस आइसोलेटेड एटम में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमको कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यूज का यूनिट होते हैं, रिलेटिव वैल्यू का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। फिर जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल, एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैटायन के चार्ज के प्रोपोर्शनल, एनायन के चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और परसेंटेज एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल। वो क्लियर करने के बाद फिर हम पीरियोडिक ट्रेंड देखें, लेफ्ट से राइट चलने पे इंक्रीज होता है पीरियड्स में, ऊपर से नीचे ग्रुप्स में आने पे ये डिक्रीज होता है। जो एक्सेप्शंस है उसको अलग से आप ध्यान रखेंगे, ठीक। एप्लीकेशंस में इसके एप्लीकेशंस हमने काफी सारे देखे हैं, किसी मॉलिक्यूल का हम नेम कैसे लिखते हैं, ठीक, कोई बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। उसके बाद फिर हम अलग अलग कंपाउंड्स में देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कौन सा कम है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखा हमने, फिर क्या देखा हमने हाइड्रा एसिड्स की एसिडिटी, उसके बाद फिर क्या देखा हमने हाइड्रोकार्बन की एसिडिटी, ठीक, ये सारे फैक्टर्स हैं। देन हमने डाइपोल मोमेंट भी इसको अप्लाई किया। तो आप एक बार वापस जाके सारे कॉन्सेप्ट को टैली कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उनको नोट करके रखिए, ठीक है। इसके फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लेटर रूल के बारे में। ओके, थैंक यू।